उत्तर प्रदेश में बदमाश इतने बेलगाम हो रहे हैं कि अब वो पुलिस पर भी गोली चलाने से नहीं चुकते। बिजनौर में बदमाश की तलाश में घूम रही पुलिस पार्टी पर आमना सामना होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें इलाके के थानेदार को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को भी गोली लगी, लेकिन उसका बाइक सवार दूसरा साथी वहाँ से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि बिजनौर के मंडावर थाने का वही इलाका है जहां पर कुछ महीने पहले एक दरोगा की हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और दरोगा के हत्यारे फरार हैं। लेकिन इस मामले में गनीमत यह रही कि बदमाश की गोली थानेदार के हाथ में लगी। बदमाश की हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि थानेदार जसवीर सिंह का इलाज जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ थाना मंडावर में गोपालपुर और बारावली के बीच में जंगलों के बीच में चेकिंग चल रही थी हमारे थाना मंडावर की पुलिस की, जिसमें एसओ साहब और उनकी टीम और साथ में लक्सर की तरफ से स्वाट की टीम हमारी आ रही थी, जिसकी दोनों लोग एक जगह पर रुक गए और जॉइंट चेकिंग अपना कर रहे हैं। इसी बीच में ये एक अपराधी है, ये दोनों बदमाश जो हैं मोटरसाइकिल से निकले, तेजी से जब ये निकले तो इनको संदिग्ध प्रतीत हुए, इनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये रुके नहीं बल्कि आगे जाकर जब इन्हें लौटाया गया तो इन्होंने पीछे वाले व्यक्ति ने फायर किया और फायर करने के इस चक्कर में उसका बैलेंस गड़बड़ हो गया और वो गिर गया और आगे वाला बदमाश जो है वो फरार हो गया। ये जो गिरा है इसको उसके ऊपर पुलिस ने भी पीछे से फायरिंग की इसको रोकने के लिए, लेकिन ये रुके नहीं और इसी घटनाक्रम में जो 5 राउंड फायरिंग हुई उसमें से 1 राउंड इसको लगा है इसके पैर में और हमारे एसओ साहब को भी, एसओ मंडा और जसवीर सिंह साहब को भी इसमें गोली लगी है और इनको जो आफ्ताब पुत्र ईशा था उन्हें हमने मेडिकल कॉलेज मेरठ में रेफर कर दिया है, जबकि हमारे जसवीर सिंह जो एसओ साहब हैं अभी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट है और इसमें ये जो आफ्ताब हैं ये हमारे नूरपुर थाने के गैंगस्टर हैं और ये साथ में रजिस्ट्री शीट भी वहीं का है। इसके ऊपर कुल मिला के अब तक 8 मुकदमों का पता चल चुका है, जिसमें से 6 मुकदमे तो हमारे ज़िले के हैं और 2 मुकदमे उत्तराखंड के रामनगर के हैं। हमारे यहाँ नूरपुर थाना, किंगपुर दीपा और शिवाला कला से हैं। शिवाला कला में जो गैंगस्टर की योजना चल रही थी उसी के ये वांछित थे। उसके ऊपर कुल मिला करके इसके ऊपर आफ्ताब के ऊपर 15,000 का इनाम घोषित था और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। हम इसको खुद तो इनाम घोषित करेंगे 5,000 का, हम उच्च अधिकारियों के पास भेजेंगे ताकि इसमें उनका और उत्साह होना चाहिए। We'll be right back.